वेरी वॉर्म एंड हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द कटअप शो। और आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग 2 जून के करंट अफेयर्स के बारे में देखेंगे। और हाँ दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि मुझे और भी सारी मोटिवेशन मिल सके ऐसे ही वीडियो बनाने में, ठीक है दोस्तों। और इस लेक्चर की PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएगी, जिसका कि लिंक है t.me/thecutupshow। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इसका लिंक डाल दूंगा। और एक इम्पॉर्टेंट नोटिस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स और ज्योग्राफी के लेक्चर मात्र मैंने 11 आवर्स में फिनिश कराए हैं, जो कि चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो उसे आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख ले दोस्तों। और पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था, हु विंस 2021 UEFA चैंपियंस लीग फाइनल। दोस्तों किस टीम ने 2021 का UEFA चैंपियंस लीग फाइनल जीता है? तो वो टीम है दोस्तों चेल्सी। चेल्सी ने मैनचेस्टर सिटी को हराकर UEFA चैंपियंस लीग फाइनल को जीत लिया है दोस्तों। तो याद रखिएगा, जिन्होंने भी जवाब दिया उनका जवाब सही है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम। आज का मेरा आपसे क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ चेयरमैन ऑफ द डायरेक्ट टैक्सेस बोर्ड फॉर 3 मंथ्स। दोस्तों 3 महीने के लिए प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? दोस्तों CBDT का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, और इसका 3 महीने का बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में रहेंगे जगन्नाथ विद्याधर महापात्रा, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा, जगन्नाथ विद्याधर महापात्रा को 3 महीने का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है अध्यक्ष के रूप में CBDT का, ठीक है दोस्तों। इससे पहले कौन थे दोस्तों? तो इससे पहले थे प्रमोद चंद्र मोदी, जो कि 31 मई को दोस्तों रिटायर हो गए हैं, ठीक है दोस्तों। बात किया जाए बशर अल असाद की, तो इन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया है सीरिया का 4th बार, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और डेविड बर्निया का अगर जो बात किया जाए दोस्तों, तो इजराइल का जो स्पाई एजेंसी है मोसाद, उसके जो है ये चीफ बनाए गए हैं, ठीक है दोस्तों। और कॉलिनोट मकासो का अगर जो बात किया जाए दोस्तों, तो रिपब्लिक ऑफ कांगो, कांगो का जो गणराज्य देश है, उसके जो है नए प्राइम मिनिस्टर कौन बनाए गए हैं? कॉलिनोट मकासो, तो याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI कैंसल्स लाइसेंस ऑफ विच बैंक रिसेंटली। RBI ने हाल ही में किस बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? तो वो बैंक है दोस्तों शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक। शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक का लाइसेंस को रद्द कर दिया है किसने? RBI ने दोस्तों। और याद रखिएगा, शिवम सहकारी बैंक का भी लाइसेंस रद्द किया था हाल ही में RBI ने, ठीक है दोस्तों। और शिवाजी भोसले सहकारी बैंक का लाइसेंस क्यों रद्द किया है दोस्तों? क्योंकि इसके पास एडिक्यूट अमाउंट में कैपिटल नहीं था दोस्तों, मतलब मनी जो है एडिक्यूट अमाउंट में नहीं था, इस कारण इसके लाइसेंस को रद्द कर दिया है, ठीक है दोस्तों। SBI बैंक का बात करें दोस्तों, तो इसने हाइपर भस के साथ समझौता किया, जिसके तहत क्या होगा, अगर जो एक दिन में ये एक अकाउंट खोलती है तो हाइपर वर्ज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत, ठीक है दोस्तों, एक दिन में 10 अकाउंट खोलने का इसका लक्ष्य रखा गया है दोस्तों SBI के द्वारा है, याद रखिएगा। ICICI बैंक का बात करें दोस्तों, तो मर्चेंट स्टैक नाम के डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया था, जिसके तहत जो है ट्रांजेक्शन में बहुत सुविधा मिलेगी ऑनलाइन, ठीक है दोस्तों। इक्विटाइज स्मॉल फाइनेंशियल बैंक का अगर जो बात किया जाए दोस्तों, तो ऑनलाइन प्रोसेस ये की थी NRI अकाउंट ओपनिंग के लिए। तो याद रखिएगा, NRI अकाउंट ओपनिंग जो है, जो भी इंडियन नागरिक जो बाहर रह रहे हैं NRI हैं, ठीक है, उनके अकाउंट ओपनिंग के लिए इन्होंने एक ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट किया था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच IIT रिसर्चर डिजाइन स्मार्ट विंडोज टू कट कार्बन इरेशन। ठीक है दोस्तों, किस IIT के शोधकर्ताओं ने कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए स्मार्ट विंडो डिजाइन किया है? ठीक है दोस्तों, तो ये हैं देवदत्त सिकदर, जो कि एक शिक्षक हैं, और ये हैं आशीष कुमार चौधरी, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर दोस्तों स्मार्ट विंडो नाम की एक डिज़ाइन को प्रोड्यूस किया है, जिसके तहत क्या होगा कि कार्बन उत्सर्जन में कटौती की जाएगी दोस्तों। और ये हैं IIT गुवाहाटी के टीचर्स और प्रोफेसर। तो याद रखिएगा दोस्तों, IIT गुवाहाटी ने स्मार्ट विंडोज नाम के डिजाइन को तैयार किया है। इसके तहत क्या होगा दोस्तों, स्मार्ट विंडोज एक मटेरियल है दोस्तों, जिसके थ्रू हीट और टेम्परेचर जो भी जाएगा, हीट और लाइट जो भी जाएगा, तो उसको जो है कंट्रोल करेगा। तो इससे और ज़्यादा बेनिफिट क्या है कि जो भी बिल्डिंग्स है उसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जो है होगा स्मार्ट विंडोज़ के तहत, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा, बात करें CBSE के बारे में, तो CBSE ने यंग वॉरियर मूवमेंट टू कॉम्बैट COVID-19 स्टार्ट किया था दोस्तों, जिसमें 10 से 30 साल के स्टूडेंट्स और टीचर हिस्सा लेंगे दोस्तों, और उनको यूनिसेफ का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। बात करा जाए IIT रोपर के बारे में, तो IIT रोपर ने हाल ही में एक डिटेक्टर, यूनिक डिटेक्टर लॉन्च किया था, जिसका नाम क्या है, फेक बस्टर, तो ये भी याद रखिएगा। और मैनचेस्टर सिटी के बारे में मैंने आपको बहुत बार बताया, 2020-21 का जो प्रीमियर लीग चैंपियनशिप है वो 3री बार किसने जीता है,
मैनचेस्टर सिटी ने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी हैज अनाउंस द एक्विजिशन ऑफ रिवेल मेड लाइफ देयर बाय क्रिएटिंग इंडिया लार्जेस्ट ऑनलाइन फार्मेसी। किस कंपनी ने प्रतिद्वंदी मेड लाइफ के अधिग्रहण की घोषणा की है जिससे वह भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन फार्मेसी बन गई है। तो दोस्तों ये कंपनी है फार्मेजी। फार्मेजी ने दोस्तों मेड लाइफ नाम की जो फार्मेसी कंपनी है उसको जो है अधिग्रहण कर लिया है, मतलब उसको जो है एक्वायर कर लिया है। ठीक है, जिसके कारण क्या है इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ऑनलाइन फार्मेसी कंपनी कौन बन गई है, फार्मेजी। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑलमोस्ट 2 मिलियन कस्टमर को जो है ये दोस्तों सेवा प्रदान करेगी ऑनलाइन, इसके तहत फार्मेजी ने जब से मेड लाइफ को जो है ऑक्यूपाई किया है तब से। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। हीरो ग्रुप का बात करें तो हीरो वायर्ड नाम के एक एडटेक कंपनी को स्टार्ट किया था, इसने स्टार्टअप किया था जिसके तहत जो है प्रोफेशनल नॉलेज देगी जिससे कि जॉब पाने में आसानी होगी। टाटा डिजिटल का बात करें तो 64% स्टेक जो है बिग बास्केट का इसने खरीद लिया है, और जिंदर पावर लिमिटेड के 96-97% स्टेक को किसने खरीदा है, वर्ल्ड वन नाम की न्यूयॉर्क बेस्ड कंपनी ने जो कि एक अमेरिकन कंपनी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन टेकन चार्ज ओवर एज प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज फॉर 2021-22। CII दोस्तों जिसको कि बोलते हैं कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, उसके प्रेसिडेंट के रूप में, अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। तो ये हैं दोस्तों टाटा स्टील के CEO एंड MD जिनका नाम है TV नरेंद्र, और इनको जो है CII का प्रेसिडेंट बनाया गया है दोस्तों, तो याद रखिएगा। और पहले कौन थे प्रेसिडेंट दोस्तों, तो पहले थे उदय कोटक। ठीक है दोस्तों, कोटक महिंद्रा बैंक के MD CEO ये थे उदय कोटक, ये जो है पहले थे CII के प्रेसिडेंट, और अभी कौन है TV नरेंद्रन है दोस्तों, तो याद रखिएगा इनका नाम। आगे बढ़ते हैं, हु हैज़ वोन द 2021 किया NBA सिक्स्थ मैंथ अवार्ड। दोस्तों किसने 2021 का सिक्स्थ मैंथ ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है, तो ये है दोस्तों बास्केटबॉलर जो कि बास्केटबॉल खेलते हैं, इनका नाम है जॉर्डन क्लार्कसन, और इन्होंने ही NBA सिक्स मैन अवार्ड 2021 का जीता है दोस्तों। और ये दोस्तों उताह जाज जो है उसके गार्ड हैं दोस्तों, और उताह जाज ने ऐसा पहले प्लेयर ये बन चुके हैं जिन्होंने कि एनुअल अवार्ड को जीता है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी याद रखिएगा। फिल मैकेलसन का अगर जो बात किया जाए दोस्तों, तो PGA चैम्पियनशिप जो है ये गोल्फर हैं जिन्होंने कि PGA चैम्पियनशिप जीता है 50 साल के एज में, और ये सबसे वृद्ध आदमी हैं जिन्होंने ऐसा कारनामा किया है। ठीक है दोस्तों, अशोक कुमार का अगर जो बात किया जाए दोस्तों, तो जो टोक्यो में ओलंपिक्स होना है, ठीक है दोस्तों, तो रेसलिंग में इंडिया के तरफ से ओनली वन रेफरी हैं, कोच हैं जिनका नाम है अशोक कुमार, तो ये भी नाम याद रखिएगा। नरेंद्र बत्रा के बारे में बताया था, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जो है FIH उसके प्रेसिडेंट हाल ही में कौन बनाए गए हैं, नरेंद्र बत्रा। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी ओपन्स इट्स फर्स्ट यूरोपियन इनोवेशन सेंटर इन एम्स्टर्डम नीदरलैंड। दोस्तों नीदरलैंड में एक जगह है एम्स्टर्डम जिसमें कि TCS ने अपना पहला यूरोपियन नवाचार केंद्र खोला है, मतलब इनोवेशन सेंटर खोला है दोस्तों, तो याद रखिएगा। TCS का फुल फॉर्म दोस्तों टाटा कंसल्टेंसी सर्विस होता है, जिसने कि अपना पहला यूरोपियन इनोवेशन सेंटर एम्स्टर्डम नीदरलैंड में खोला है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन इंट्रोड्यूसेस वर्ल्ड्स फर्स्ट नैनो यूरिया फॉर फार्मर्स अक्रॉस वर्ल्ड। किसने दुनिया भर के किसानों के लिए दुनिया का पहला नैनो यूरिया पेश किया है, ठीक है दोस्तों, तो ऐसा का नामक किया है IFFCO ने। IFFCO का फुल फॉर्म होता है दोस्तों इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉरपोरेटिव लिमिटेड, ठीक है दोस्तों, और इसने दुनिया का सबसे पहला नैनो यूरिया लिक्विड जो है उसका खोज किया है। ठीक है दोस्तों, उसका जो है बनाया है। ठीक है दोस्तों, इसके तहत क्या होगा दोस्तों, जो भी अभी प्रोड्यूस होता है हमारा गुड्स, उसके गुड्स के प्रोड्यूस में जो है इंक्रीमेंट आएगा, और ये यूरिया लिक्विड, नैनो यूरिया लिक्विड जो है प्लांट को न्यूट्रिशन भी देगा ज़्यादा पहले की अपेक्षा में, और इससे जो है ग्लोबल वार्मिंग जो है उसको भी कंट्रोल में आएगा दोस्तों, तो ग्लोबल वार्मिंग को भी कंट्रोल करेगा ये नैनो यूरिया लिक्विड जिसको डेवलप किया है IFFCO ने। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। बात करें माइक्रोसॉफ्ट के बारे में दोस्तों, तो माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट एक्सप्लोरर को निरस्त करने की घोषणा कर दी है 2022 तक, ठीक है दोस्तों, जुलाई 2022 तक, और ये माइक्रोसॉफ्ट एज जो है वो 2015 में जो लॉन्च की थी उसी से ग्राहकों को प्रेरणा दे रही है कि आप लोग माइक्रोसॉफ्ट एज को इस्तेमाल करें। ठीक है दोस्तों, हीरो ग्रुप के बारे में बात करें तो हीरो वायर्ड नाम के एक एडटेक स्टार्टअप को इन्होंने लॉन्च किया था, जिसके तहत क्या होगा प्रोफेशनल नॉलेज दिया जा सकेगा स्टूडेंट्स को जिससे कि उन लोगों को जॉब पाने में आसानी हो दोस्तों। और स्पाइस हेल्थ के बारे में आप लोग मुझे बताएं, इन्हें क्या हाल ही में ये न्यूज़ में रहे हैं, तो इन्होंने किस विषय में न्यूज़ में रहे हैं। ठीक है दोस्तों,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO हैज अवार्डेड विच यूनियन मिनिस्टर विथ WHO डायरेक्टर जनरल स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड। विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसको कि WHO बोलते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने किस केंद्रीय मंत्री को WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया है? ठीक है दोस्तों, तो वो केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, जो कि हेल्थ मिनिस्टर भी हैं हमारे, और उनको WHO डायरेक्टर जनरल स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड दिया गया है। तो ये WHO डायरेक्टर जनरल रिकॉग्निशन अवार्ड दिया क्यों जाता है दोस्तों? तो ये टोबैको में कंट्रोल के लिए, टोबैको का जो एरिया है, ठीक है दोस्तों, जैसे टोबैको में खैनी आ जाता है, गांजा आ जाता है, उसको कंट्रोल करने के लिए ये हर एक साल अवार्ड दिया जाता है WHO के द्वारा, ठीक है दोस्तों। और इस साल ये अवार्ड मिला है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह को। ये क्यों मिला है दोस्तों? क्योंकि आप लोगों ने हाल ही में पढ़ा होगा कि ई सिगरेट पर जो है बैन लगाया गया था, और साथ ही साथ में हीटेड टोबैको प्रोडक्ट जो था उस पर भी बैन लगाया गया था इंडिया में, ठीक है, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह के द्वारा, इसलिए इनको ये अवार्ड दिया गया। बात करें CNR राव को दोस्तों, तो CNR राव को हाल ही में 2020 का इंटरनेशनल एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। भी कार्तिकन पांड्यन का अगर जो बात किया जाए दोस्तों, तो इनको FIH मतलब इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का प्रेसिडेंशियल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और ये पांड्यन कौन है दोस्तों? तो ये पांड्यन उड़ीसा के जो नवीन पटनायक है चीफ मिनिस्टर, उनके दोस्तों प्राइवेट सेक्रेटरी हैं। अमर्त कुमार सेन का अगर जो बात किया जाए दोस्तों, तो इनको 2021 का प्रिंसेज ऑफ ऑस्ट्रियास अवार्ड से सम्मानित किया गया था दोस्तों, तो ये भी याद रखिएगा। और आज का मेरा आपसे क्वेश्चन रहेगा, हु विल बी आवर कॉमर्स सेक्रेटरी, वाणिज्य सचिव कौन बनाए जाएंगे? ठीक है दोस्तों, ये है इनका फोटो, वेदर इट इज राजेश बंसल या सुबोध कुमार, जगदीप पवारिया या फिर BVR सुब्रमण्यम। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि मैं आगे भी ऐसे ही वीडियो बनाते रहूं दोस्तों। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।